नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ, आप देख रहे हैं बेस्ट अफेयर। दोस्तों आज 4 सितंबर है और सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म होने वाला है एसएससी एमटीएस हवलदार का। पीछे जो आपको दिख रहा होगा, इधर से लोग निकलेंगे, कैंडिडेट लोग एग्ज़ाम देके, उससे हम पूछेंगे कि कैसे का सवाल थे, क्या लेवल था, ये सारी जानकारी आपको अभी वीडियो में मिलेगा। कैसा था पेपर? पेपर मतलब पीडब्ल्यूडी का टैगरी में हम लोग आते। हाँ वो तो पता है, लेकिन आप बताइए कैसा था पेपर? पेपर बहुत अच्छा था। कौन सा चीज़ आपको थोड़ा टफ लगा? टफ कौन सा था? टफ नहीं, हमें इन्विजिलेटर और सेंटर की तरफ से बहुत टॉर्चर किया गया। दिव्यांगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, सेंटर वालों को, और दिव्यांगजनों के लिए हम लोगों के लिए सर जो बात है, फैक्ट है, फैक्ट मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा, ये लोग बहुत गद्दारी करते हैं दिव्यांगों के साथ। क्या क्या प्रॉब्लम हुई? मेरा पेपर करने ही नहीं दिए। करने नहीं दिया मतलब? करने ही नहीं दे रहे थे, बोले थे तुम जो है, जैसे सर ब्लाइंड लोग को होता है क्या, मैथ रीजनिंग में परेशानी होती है, तो हम सर आपस में डिस्कस करके कर रहे थे, ये लोग करने ही नहीं दिए। मेरे कोई रूल में है कि डिस्कस कर सकते हैं जी, तो उसके बाद पे ये लोग बोल रहे थे, तो आपको मतलब आपको क्वालिफाइंग भी है उसमें हो पाएगा या नहीं रीजनिंग में? नो, नहीं नहीं, ये तो बहुत ही गलत हुआ। और क्या प्रॉब्लम हो रहा था यहाँ से? प्रॉब्लम फिर हो रहा है जीके जीएस में भी, कोई वो नहीं कर हुआ। जीके जीएस में तो खैर ठीक ठाक रहा, इंग्लिश में भी ठीक ठाक रहा, लेकिन लास्ट में मतलब बहुत, मतलब क्या कहें मैडम, बहुत दिल दुखाने वाली काम की है। समझ लीजिए कि दिव्यांगों के साथ बहुत अत्याचार होता है, बहुत अत्याचार होता है, ऐसा अत्याचार नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपने पहले कभी एग्ज़ाम दिया है? बहुत एग्ज़ाम दिया है। तो इस बार ऐसा हुआ या हर बार ऐसा होता है? नहीं सर, दिव्यांगों के साथ हर एक बार ऐसा होता है। तो ये तो काफ़ी गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपका वीडियो अभी आएगा चैनल पर, आप और कुछ करना चाहते हैं क्या? कहना यही चाहेंगे कि भाई दिव्यांगजनों के लिए स्पेशल इन्विजिलेटर गाइडलाइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाए, और इस टाइप का हम लोग का एक रूल हो कि हम लोग को एक टॉर्चर ना किया जाए, जबकि समझ सकते हैं कि दिव्यांगों की क्या समस्या हो सकती है। हाँ, इसमें किया जाना चाहिए, अलग अलग दिव्यांगों के लिए भी अलग अलग रूल्स निकाले जाने चाहिए, और एसएससी को हम सबों के लिए अलग क्वेश्चन निर्धारित किया जाना चाहिए। हाँ, अलग सिस्टम, अलग निर्देशन देना चाहिए एसएससी को, ये बात पे ध्यान देना चाहिए, बहुत गलत हुआ इनके साथ। तो ये थी हमारी सेकंड शिफ्ट की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले घंटे के आइकन पर क्लिक करके, ताकि हमारे सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचा करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।